मधुबनी में किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधी गिरफ्तार, 3 पिस्तौल, 2 बाइक, मोबाइल बरामद। खोटोना थाना के छर्रापट्टी गांव के पास से दबोचे गए अपराधी। लूट फायरिंग सहित कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। मधुबनी पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब बीते सोमवार को किसी बड़े आपराधिक वारदात की योजना बनाने के लिए जुटे अपराधियों को पुलिस ने भारी मात्रा में आर्म्स के साथ दबोच लिया। पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 पिस्टल, दर्जन भर जिंदा कारतूस और लूट के 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद करते हुए 2 दिन पूर्व के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी घटनाओं का एक साथ उद्भेदन कर लिया। हालांकि 3 अपराधी भागने में सफल रहे, जिसकी तलाश जारी है। धराए अपराधियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसका आज खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सुशील कुमार ने बताया कि बीते 19 जनवरी को सुबह 5:15 पर बाबू बराही थाना अंतर्गत बरेल रेलवे गुमटी के पास 4 अपराध कर्मियों के द्वारा पिकअप चालक आनंदा कर्मोकर के साथ ही चालक को गोली मारकर जख्मी करते हुए 4500 रुपया एवं 2 मोबाइल लूट लिया गया था। उसी दिन समय 5:45 पर खोटोना थाना अंतर्गत छर्रापट्टी नहर पुल के पास 4 अज्ञात अपराधकारियों के द्वारा बंदूक के बट से ब्रजेश कुमार नाम के एक व्यक्ति को मारकर जख्मी करते हुए उससे मोटरसाइकिल लूट लिया गया। दोनों घटना के संदर्भ में बाबू बरही थाना कांड संख्या 21/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय एवं 27 शस्त्र अधिनियम एवं खोटोना थाना कांड संख्या 14/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा उपरोक्त दोनों लूट की घटना का उद्भेदन एवं संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, लूटे गए सामानों, घटना में प्रयुक्त सामानों की बरामदगी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं फुलपरास के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया था। विशेष टीम के द्वारा लगातार छापेमारी कर रही थी। 22 जनवरी को थाना अध्यक्ष खोटोना एवं थाना अध्यक्ष बाबू बरही के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष टीम के साथ छापामारी में निकले थे कि समय करीब 6:45 पर गुप्त सूचना मिली कि छर्रापट्टी स्थित नहर के पास कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए थे, जो बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। सूचना पर छर्रापट्टी स्थित नहर के पास पहुंचने पर देखा गया कि वहां 7-8 अपराधकर्मी हथियार लहरा रहे हैं। विशेष टीम के द्वारा उस स्थान को चारों तरफ से घेराबंदी कर छापेमारी किया गया। पुलिस बल को देखकर सभी अपराधकर्मी इधर उधर भागने लगे, जिसे खदेड़ कर रोशन कुमार, विवेक कुमार, दीपक कुमार, पंकज कुमार को पकड़ा गया तथा 2 अपराधकर्मी, एक रंजक कुमार यादव और दूसरा पंकज कुमार, दोनों पिता महेंद्र यादव, भागने में सफल हो गए। फरार अपराधकर्मी रंजक कुमार यादव एवं पंकज कुमार के घर पर छापामारी किया गया, तो फरार अपराधकर्मी पंकज कुमार यादव पिता महेंद्र यादव के घर से दोनों लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं फरार अपराधकर्मी रंजक कुमार यादव के घर दोनों लूट की घटना में प्रयुक्त चंबीम मोटरसाइकिल बरामद किया गया। धराए अपराध कर्मियों की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर खोटोना कांड संख्या 14/24 में लूटी गई मोटरसाइकिल को लोकाई थाना अंतर्गत मनसापुर स्थित गैरेज से बरामद किया गया तथा गैरेज मालिक रंजन यादव को गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए अपराध कर्मियों का विधिवत तलाशी लेने पर अपराध कर्मी विवेक कुमार के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन, घटना में प्रयुक्त 1 मोबाइल, रोशन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 1 टेक्नो मोबाइल तथा उनके घर से बाबू बरही थाना कांड संख्या 21/24 में लूटी गई 1 सैमसंग मोबाइल, पंकज कुमार यादव के पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, दीपक कुमार के पास से 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में खोटोना थाना कांड संख्या 19/24 दिनांक 23/1/2024 धारा 399/402/120B भादवीय एवं 25/1BA 26/35 शस्त्र अधिनियम दर्ज करते हुए सभी अपराध कर्मियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। शेष फरार अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी किया जा रहा है। मधुबनी पुलिस के द्वारा महज 72 घंटे के अंदर दोनों लूट की घटना का सफल उद्भेदन करते हुए संलिप्त 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, लूटे गए रुपए एवं सामानों की बरामदगी एवं लूट में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र एवं मोटरसाइकिल जब्त किया गया। धराए अपराधियों का नाम, पता और उसका आपराधिक इतिहास इस प्रकार है। रोशन कुमार यादव उम्र 18 वर्ष, पिता देवेंद्र प्रसाद यादव, साकिन किसनीपट्टी, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी। आपराधिक इतिहास बाबू बराही थाना कांड संख्या 21/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय व 27 शस्त्र अधिनियम, खोटोना थाना कांड संख्या 14/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय
पप्पन बबबराही थाना कांड संख्या 259/22 दिनांक 30/10/2022 धारा 394 भादवीय एवं 27 शस्त्र अधिनियम विवेक कुमार यादव उम्र 19 वर्ष पिता कृष्ण यादव साकिन गोड़ियारी थाना फुलपरास जिला मधुबनी अपराधी के इतिहास बाबूबराही थाना कांड संख्या 21/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय व 27 कट भादवी एवं 27 शस्त्र अधिनियम खुटोना थाना कांड संख्या 14/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय फुलपरास कांड संख्या 14/24 दिनांक 12/1/2024 धारा 307 385 379 504 506 भादवी एवं 27 शस्त्र अधिनियम फुलपरास थाना कांड संख्या 411/22 दिनांक 28/8/2022 धारा 414 भादवी एवं 25/1/BA/26/35 शस्त्र अधिनियम दीपक कुमार यादव पिता जीवच यादव साकेन गोड़ियारी थाना फुलपरास जिला मधुबनी अपराधिक इतिहास बाबूबराही थाना कांड संख्या 21/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय शस्त्र भादवीय एवं 27 शस्त्र अधिनियम खुटौना थाना कांड संख्या 14/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय बाबूबराही थाना कांड संख्या 259/22 दिनांक 30/10/2022 धारा 394 भादवीय एवं 27 शस्त्र अधिनियम पंकज कुमार उम्र 20 वर्ष पिता लक्ष्मीराम यादव साकिन नवटोली थाना फुलपरास जिला मधुबनी अपराधिक इतिहास बाबूबराही थाना कांड संख्या 21/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय एवं 27 शस्त्र अधिनियम खुटौना थाना कांड संख्या 14/24 दिनांक 19/1/2024 धारा 394 भादवीय बाबूबराही थाना कांड संख्या 259/22 दिनांक 30/10/2022 धारा 394 भादवीय एवं 27 शस्त्र अधिनियम 5 रंजन यादव पिता दुखी यादव साकिन मनसापुर थाना लौकही जिला मधुबनी पुलिस की विशेष टीम में राजीव कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सुधीर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास पुलिस निरीक्षक अजीत प्रसाद सिंह प्रभारी तकनीकी कोषांग चंद्रमणि थानाध्यक्ष बाबूबराही धनंजय कुमार थानाध्यक्ष खोटोना रविंद्र कुमार दयाराम यादव रोशन कुमार संतोष कुमार सुरेश कुमार तकनीकी कोषांग इम्पू कुमारी तकनीकी कोषांग शामिल थे। मधुबनी से संतोष मंडल की रिपोर्ट। दिनांक 19/1/24 को एक घटना हुई थी बाबूबराही थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेल रेलवे गुमटी पे। एक जो वेस्ट बंगाल साइड से पिकअप चालक मछली लेकर आ रहा था उसके साथ लूटपाट की घटना हुई थी और लूटपाट के क्रम में उसमें से एक जो चालक थे दो लोग थे उसमें गाड़ी में जिसमें से एक चालक को गोली भी मारी गई थी लूटपाट के क्रम में और 4,500 रुपया और दो मोबाइल भी लूटा गया था लुटेरों के द्वारा। ये घटना 19/1/24 को सुबह 5:15 की है बाबूबराही थाना अंतर्गत और उसके आधे घंटे के बाद लगभग 5:45 बजे खोटौना थाना क्षेत्र अंतर्गत छारापट्टी नहर पुल के पास चार अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा बंदूक के बट से मार करके एक स्टूडेंट जो कि सुबह सुबह इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था उससे मारपीट करके और उसकी मोटरसाइकिल को भी लूट लिया गया था। इसको लेकर के दो कांड दर्ज किए गए थे एक 394 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत खुटौना थाना कांड संख्या 14/24 दर्ज किया गया था और उसके अलावा बाबूबराही थाना कांड संख्या 21/24 दर्ज किया गया था ये भी 394 भादवी और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत में। तो ये एमओ जो था उसको देखने से हम लोग को यही लग रहा था कि ये जो दोनों घटना हुई है चूँकि आधा घंटा के अंतराल में हुआ है एक ही रूट में हुआ है तो किसी सेम ग्रुप गैंग के अपराधियों ने किया है तो उसके लिए इसके कांड के दोनों कांड के उद्भेदन के लिए मैंने SDPO सदर और SDPO फुलपरास के नेतृत्व में और SHO बाहुबरी और SHO खुटौना के साथ में उस टीम में थे एक टीम बनाई थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की टीम बनाई थी और उनके द्वारा लगातार इसमें जो मानवीय सूचना संकलन करके और तकनीकी अनुसंधान करके और इसमें लगातार कार्य किया जा रहा था उद्भेदन के क्रम में दिशा में और उसमें अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को कुछ इनपुट मिला उसके बेसिस पे जो हमारी टीम है DIU की टीम थानाध्यक्ष और SDPO के द्वारा छरापट्टी में एक जगह पे छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में वहाँ पे देखा कि 7-8 लोग हैं जो अपराधी हैं पुलिस को देखते ही वो भागने लगे
उनको हमारी फोर्स के द्वारा खदेड़ करके पकड़ा गया, जिसमें से चार लोगों की गिरफ्तारी हुई। चार लोग में एक रोशन कुमार, एक विवेक कुमार और एक दीपक कुमार और एक पंकज कुमार। ये रोशन कुमार किशनपट्टी का है फुलपरास का, विवेक कुमार गोढ़ियारी फुलपरास का है, दीपक कुमार गोढ़ियारी फुलपरास का है और पंकज कुमार नौटोल फुलपरास का है। वहाँ से दो अपराधी जो है फरार होने में सफल रहे, दो चार लोग पकड़े गए। और उसके बाद इनसे जब पूछताछ किया गया तो एक तो इनके पास से जब उस टाइम पे पकड़े जाने के बाद इनके पास से विवेक कुमार के पास एक देसी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुआ। रोशन कुमार जो है उसके पास से एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुआ। और एक पंकज यादव जो पकड़ा गया उसके पास से देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इनको इनसे पूछताछ करने के क्रम में इन्होंने इनके द्वारा स्वीकृति किया गया कि ये जो दोनों घटना हुई थी इनके द्वारा की गई थी। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो भागे अपराधी हैं रंजय कुमार यादव और पंकज कुमार पिता महेंद्र यादव, इन दोनों के घर पर जब छापेमारी की गई तो लूटा हुआ जो मोटरसाइकिल जो स्टूडेंट से लूटा गया था मोटरसाइकिल खुटौना में वो बरामद किया गया। उसके अलावा इन दोनों ने जो मोटरसाइकिल यूज किया था लूट के दौरान उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। तो और उसके अलावा जो पिकअप वैन से लूट की गई थी जिसमें दो मोबाइल भी लूटे गए थे, ये भी दोनों मोबाइल इन लोगों की तरफ पास से बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये पांच अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जो सामान बरामद हुए हैं उसमें देसी पिस्टल एक, देसी कट्टा दो, जिंदा कारतूस नौ, लूटी हुई मोबाइल एक और लूटी हुई मोटरसाइकिल एक और घटना में प्रयुक्त मोबाइल दो और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल दो, इतनी चीज़ों की बरामदगी की गई है। और इसमें जो उल्लेखनीय बात है कि ये जो जितने भी पकड़े गए हैं अपराधी इनके सबके आपराधिक इतिहास है। और ये जो विवेक कुमार यादव जो पकड़ा गया है और दीपक कुमार यादव, ये जो फुलपरास थाना में एक और घटना हुई थी हाल ही में पैक्स अध्यक्ष के साथ में रंगदारी मांगना और उसके बाद गोली चलाना, रंगदारी मांगने के क्रम में गोली चलाना, इन दोनों में भी ये दोनों शामिल थे। तो उस केस में भी हम लोग इसमें रिमांड लेंगे इस पर इन दोनों अपराधियों की और आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये घटना जो है घटना होने के दोनों लूट की घटना जो 19 तारीख हुई थी उसके 72 घंटे के अंदर ये दोनों कांडों का उद्भेदन किया गया है। इसमें लूटी हुई सामान बरामदगी की गई है और लगभग सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। दो अपराधी बचे हुए हैं गिरफ्तारी के लिए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जो छापेमारी टीम थी उसमें SDPO सदर, SDPO फुलपरास और जो DIU की टीम है हम उसमें इंस्पेक्टर अजीत प्रसाद, पुवानी चंद्रमणि थाना अध्यक्ष बाबूवरी थाना, पुवानी धनंजय कुमार थाना अध्यक्ष खुटौना, पुवानी रविंदर कुमार बाबूवरी थाना, पुवानी दयाराम यादव खुटौना थाना, पुवानी रोशन कुमार खुटौना थाना और पुवानी संतोष कुमार बाबूवरी थाना, उसके अलावा सुरेश कुमार और रिंकू कुमारी जो DIU के, इन लोग ये लोग शामिल थे। इन लोगों के द्वारा त्वरित तौर पर कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अपराधियों की गिरफ्तारी की गई।